तो वो राजाई की प्राप्ति बाप से होती है या माँ से होती है? बाप से होती है। परंतु माँ जब तक जन्म न दे तो वो प्राप्ति हो सकती है? ब्रह्मा से जन्म जरूर लेना पड़े। चलो, यहाँ बहुत से ऐसे ब्राह्मण बैठे होंगे जो डायरेक्ट एडवांस में आए हैं। हाथ उठाओ, कितने हैं डायरेक्ट वाले? है डायरेक्ट बेसिक में नहीं गए? ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम में नहीं गए, डायरेक्ट आ गए? बहुत है? तो ऐसे नहीं है कि ये ब्रह्मा के बच्चे बने नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी इनके भाई बहन बने ही नहीं और ये इधर आ गए, नहीं, ये पूर्व जन्म में ही पहले ही ब्रह्मा की औलाद बन चुके थे। ब्रह्मा की औलाद बनने के बाद फिर दूसरा जन्म लेकर आए हैं, तब इन्होंने ये एडवांस ज्ञान लिया। वो पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में ऐड हो गया। ईश्वरीय पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस जन्म में आकर के तीखा पढ़ सकते हैं। तो आज में ही ब्रह्मा की औलाद बन चुके थे। कोई ऐसे होते हैं कि आज में भी ब्रह्मा की औलाद बने और वर्तमान जन्म में भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ते रहे, डबल पढ़ाई पढ़ी बीके की और फिर एडवांस में आए। बाकी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता बीए एमए का जिसने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई ना पढ़ी हो, डायरेक्ट कोई नहीं आता। इसी हिसाब से जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बना वो सन 47 से उसका फाउंडेशन पड़ा और माउंट आबू में आने के बाद जब दिल्ली में पहला आश्रम खुला तो नाम प्रत्यक्ष हो गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। परंतु ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से पहले ही कुछ वर्ष पहले परमात्मा शिव ने मुरली में ये बात भी सुना दी ब्रह्मा मुख से कि ये जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा है ये रंग है, क्या होना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तुम बच्चे अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी मत लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं, हम प्रवृत्ति मार्ग के हैं, हम निवृत्ति मार्ग के नहीं हैं। और गीता ग्रंथ निवृत्ति मार्ग वालों का ग्रंथ है या प्रवृत्ति मार्ग वालों का ग्रंथ है? जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, घरगस्त में रहकर जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उन्हीं का ही गीता ग्रंथ है। गीता ज्ञान भी भगवान ने आकर के गृहस्थियों को दिया होगा या निवृत्ति मार्ग वाले साधु संन्यासियों को दिया होगा? इसलिए ये इशारा मुरली में ही दे दिया था। मुरली में बोला था अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। क्या मतलब हुआ? अंदर वाले का मतलब कि जो सरेंडर होकर के रहते हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, अपना घरघाट छोड़ चुके हैं, वो उनमें भी दो प्रकार के हुए। एक तो वो हुए
जो ब्रह्मा के जीवन काल में ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे, उस समय वो प्रवृत्ति मार्ग में थे या निवृत्ति मार्ग में थे? उस समय प्रवृत्ति मार्ग में थे। फिर ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा और सरस्वती, यज्ञ माता यज्ञ पिता, दोनों ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। उनको प्रवृत्ति मार्ग का ब्राह्मण कहें या निवृत्ति मार्ग का कहें? निवृत्ति मार्ग का क्यों कहें? वो तो मानते हैं ब्रह्मा हमारी माता है, शिव हमारा बाप है। तो है भी तो है, शिव साकार नहीं है, माँ बाप होते हैं साकार में। क्योंकि मुरली में ये बात बाबा ने पहले ही सुना दी, क्या कि शिव के तुम सब बच्चे हो, शिव कुमार हो। शिव की कुमारियां नहीं होती, शिव है ज्योति बिंदु आत्मा, सुप्रीम सोल, उसके बच्चे सब भाई भाई आपस में। क्या? शिव के बच्चे सब आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि शिव स्वयं आत्मा है, जीव आत्मा नहीं है। अगर जीवित आत्मा हो, शरीर सहित हो, तो भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन तुम सब बिंदु बिंदु आत्मा है भाई भाई, और तुम्हारा बाप शिव ज्योति बिंदु। परंतु वो शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है और साकार में प्रवेश करता है, तो संभालने वाले माता पिता स्त्री पुरुष के रूप में हो जाते हैं। वो हुए प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मा और सरस्वती, और उनके शरीर छोड़ने के बाद वो परंपरा माँ बाप की खत्म हो गई। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से पूछो, तुम अगर प्रवृत्ति मार्ग के हो तो तुम्हारे माँ बाप कौन है, क्या बताएंगे? है ब्रह्मा बाप को बताते हैं। वो तो शरीर छोड़ गए, मुरली में तो बोला है। उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म बतनवासी। तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? सूक्ष्म बतन में सृष्टि थोड़े ही होती है। सृष्टि कहाँ होती है? साकार दुनिया में सृष्टि होती है। साकार दुनिया में सृष्टि तभी होती है जब माँ भी साकार में हो और बाप भी साकार में हो। तो ये ज्ञान बाप आकर के देते हैं, और किसको देते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों को। बेसिक में ही जो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, 100% यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब ने वो ईश्वरीय ज्ञान लिया जो बाप बाप के रूप में आकर के देता है, टीचर के रूप में आकर के देता है। वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को आकर ज्ञान देता है। जो निवृत्ति मार्ग के हैं, बड़े बड़े मठ पंथ जमा कर बैठे हुए हैं, ऊंची